चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर ट्रैपिंग एंड डिबगिंग। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। मैक्सिमम लोग जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो एरर्स जरूर आते हैं। एक अच्छे प्रोग्राम की खासियत ये होती है कि उसमें मिनिमम एरर आए, जीरो एरर जो है कोई मशीन नहीं दे पाती। 100% एफिशिएंसी कोई भी मशीन अभी तक ऐसे नहीं बनी है जो 100% एफिशिएंसी दे पाए। तो कोशिश ये रहती है कि मिनिमम एरर आए, यानी कि एक ही चीज़ को अगर दो लोग बनाते हैं और एक के सिस्टम पर या एक के प्रोग्राम में ज़्यादा एरर आ रहे हैं और एक के प्रोग्राम में कम एरर आ रहे हैं, तो जो कम एरर वाला जो प्रोग्राम होता है उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और वो ज़्यादा रिलायबल होता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो हमें अगर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम तैयार करना है तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम तैयार करना होता है जिसमें एरर कम से कम आए, मिनिमम। अब यहाँ पर टॉपिक हमारा आता है एरर ट्रैपिंग एंड डिबगिंग। हमको यहाँ पर एरर को हैंडल करना है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एरर आए ही ना, क्योंकि एरर कई जो होते हैं भौतिक घटनाओं की वजह से भी आते हैं, जैसे लाइट गोल हो जाना, हार्ड डिस्क क्रैश होना। आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि कभी आपका आपके एरिया में लाइट गोल नहीं होगा या सिस्टम क्रैश नहीं होगा या फिर आंधी तूफान नहीं आएगा। आंधी तूफान होने से भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं या कनेक्टिविटी चली जाती है। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं बन पाया है जो 100% एफिशिएंसी दे। एरर सभी सिस्टम्स में आते हैं या सभी प्रोग्राम में आते हैं। मिनिमम एरर लाने की हमको चीज यहाँ पर देखनी है। जितना मिनिमम हो जाएगा एरर, उतना हमारा सिस्टम जो है वो स्ट्रांग कहलाएगा और रिलायबल होगा, लोग उस पर भरोसा करेंगे और उसे यूज करेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे आपकी एटीएम मशीन है, आप पहले देखे होंगे कि एटीएम मशीन में कभी कभी हम एटीएम कार्ड से पैसा निकालते थे और पैसा जो है कट जाता था, हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाता था बट कैश बाहर नहीं आता था। ये एक प्रकार का एरर ही है, लेकिन वो इतना विश्वसनीय है कि 24 घंटे के अंदर पैसा रिटर्न होके आ जाता है। तो लोग उसको यूज करते हैं कि पैसा कट भी जाएगा तो 24 घंटे के बाद वो वापस आ जाएगा। आजकल तो वो 5-6 सेकंड में ही रिटर्न हो जाता है। तो ये जो है उसमें एरर आया बट उसे हैंडल कर लिया गया। तो हमारा टॉपिक जो है वो एरर ट्रैपिंग या एरर हैंडलिंग है, ना कि एरर। हमको एरर नहीं पढ़ना है, हमको ये देखना है कि एरर को कैसे हैंडल किया जाए, एरर आने के बाद उसको कैसे संभाला जाए ताकि हमारा सिस्टम जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो हमारा टॉपिक है एरर हैंडलिंग। लेकिन किसी एरर को हमको अगर हैंडल करना है या उसे ट्रैप करना है या उसे रोकना है या उसको उससे हुए नुकसान को वापस करना है तो हमको एरर के बारे में पहले जानना होगा। इसलिए हम एरर पहले पढ़ेंगे, फिर एरर की ट्रैपिंग या एरर की हैंडलिंग पढ़ेंगे और दूसरा तरीका होता है एरर की डिबगिंग करना। तो यहाँ पर दो मैकेनिज्म है, मैं उसको बहुत अच्छे सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर जो पहला पहला व्यू देखें तो पहला व्यू बोलता है कि हम एरर को आने ही नहीं देंगे। पहला कोड करने का या हमारे प्रोग्राम को कोड करने का पहला व्यू ये बोलता है कि हम एरर को आने ही नहीं देंगे, ऐसा कुछ अलाउ ही नहीं करेंगे यूजर को कि उसकी वजह से एरर आए। यानी ऐसे सारी चीजों को हम ब्लॉक कर देंगे जिसकी वजह से एरर आने की संभावना है। बट ऐसा करने से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं यूजर्स के ऊपर। दूसरा मैकेनिज्म ये है कि एरर को आने देते हैं, फ्री कर देते हैं, जिसको जो करना है करे, जब एरर आएगा उसके बाद उसको हैंडल कर लिया जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, जैसे मैं एटीएम में बोलता हूँ कि एटीएम में दो पर्सन को एक साथ एंट्री करने ही नहीं दिया जाएगा ताकि कोई किसी का पासवर्ड ना देख पाए, या फिर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि जिससे एरर आने की संभावना कम हो जाती है, या फिर उसको छोड़ देते हैं कि एरर आएगा और उसके बाद में देख लिया जाएगा क्या करना है। तो दो अलग अलग मैकेनिज्म है, तो इन दोनों मैकेनिज्म पे काम कर सकते हैं। पहला मैकेनिज्म हम देखेंगे कि एरर की ट्रैपिंग या एरर हैंडलिंग। तो इसके सबसे पहले हमको समझना होगा एरर क्या होता है। आपको पता है कि एरर क्या होता है? कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा है या उसमें डेटा इनवैलिड होता है तो कंप्यूटर अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, इस सिचुएशन को एरर कहा जाता है। यानी कंप्यूटर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए ठीक ठाक प्रोग्राम नहीं किया गया है, इसलिए वो एरर जनरेट होता है। और एरर को हम तीन अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए हैं। पहला है कंपाइल टाइम एरर,
दूसरा है रन टाइम एरर, और तीसरा है लॉजिकल एरर। तो एरर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। हम एरर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम एरर को समझ जाएंगे तभी तो एरर को हैंडल करेंगे और मिनिमम एरर वाला कोड बना पाएंगे। तो पहले हम एरर को समझ जाते हैं कि कौन कौन से एरर होते हैं और वो कब आते हैं और उनकी क्या खासियत होती है। तो पहले तो हम यहाँ पर उनका नाम देख पा रहे हैं कि हमारे पास तीन टाइप के एरर है। कंपाइल टाइम एरर, जिसको हम सिंटेक्स एरर भी बोलते हैं, सिंटेक्स एरर भी कहा जाता है। रन टाइम एरर को एक्सेप्शन भी कहा जाता है। और लॉजिकल एरर जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, यानी कि कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर का, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर का दो नाम है, सिंटेक्स एरर और एक्सेप्शन। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये तीनों का जो सीक्वेंस है वो तीनों इस सीक्वेंस में लिखे गए, सबसे कम प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला एरर होता है कंपाइल टाइम एरर, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है रन टाइम एरर, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लॉजिकल एरर। तो आज की क्लास में हम एरर्स को समझेंगे, कल हम देखेंगे कि एरर को कैसे हैंडल किया जाता है या ट्रैप किया जाता है। क्लियर है? तो एरर बेसिकली तीन टाइप के हैं, कंपाइल टाइम एरर या सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर या एक्सेप्शन या लॉजिकल एरर, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरर होता है लॉजिकल एरर। अब इसको हम समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। कंपाइल टाइम एरर जो है वो कोड के समय आता है, कोडिंग करते समय आता है, जब हम कोड कर रहे होते हैं और रन करते हैं उसी समय आता है। यानी अभी तक आपने जो भी एरर्स देखे होंगे वो एरर्स जो है मैक्सिमम कंपाइल टाइम एरर होते हैं। ये एरर जो है स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से होते हैं आते हैं, या फिर सिंटेक्स जो है उसकी मिस्टेक करते हैं आप तब आते हैं। ये एरर जो होते हैं ये आईडीई के द्वारा ही हैंडल कर लिए जाते हैं, यानी कि आपको आईडीई या कंप्यूटर ही बता देगा कि कौन से लाइन नंबर पर लगभग क्या एरर है, और आपको कंप्यूटर उस एरर को ढूंढ कर दे देता है। इसलिए ये एरर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि ये एरर तब आते हैं जब हमारा प्रोग्राम जो है लॉन्च नहीं हुआ होता है, यानी कि पब्लिक तक नहीं पहुंचा होता है। पब्लिक जो है जो वो इस एरर से को देख भी नहीं पाती है, उनको पता भी नहीं चलता कि ऐसा कोई एरर था, क्योंकि उन तक पहुंच प्रोडक्ट उन तक पहुंचने के पहले ही ये सारे एरर्स आते हैं और उनको सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है? दूसरा रन टाइम एरर जो है, जिसका एक्सेप्शन बोलते हैं, ये प्रोग्राम के रन करते सके बीच में आते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनका मुख्य कारण होता है गलत इनपुट, जो रन टाइम एरर है उनका मुख्य कारण जो है वो होता है गलत इनपुट। अगर आप गलत इनपुट देते हैं ऐसी कंडीशन में आपको रन टाइम एरर्स जो है वो आते हैं। दूसरा मुख्य कारण होता है इसमें सिस्टम का फेल होना, द सिस्टम फेलियर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चले जाना, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाना, मोबाइल से कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है बीच में मोबाइल गिर के टूट जाना, मोबाइल में पानी चला जाना, या किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी जिसके द्वारा आपकी मशीन डैमेज हो जाए या मशीन का कोई पार्ट डैमेज हो जाए। किसी भी प्रकार की कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो हमेशा बनी की बनी रहे, कभी ना कभी वो डैमेज होती ही है, लाइट गोल हो जाएगा कभी, मान लीजिए मशीन सब कुछ ठीक है, बहुत स्ट्रांग मशीन है, भूकंप आ गया और बिल्डिंग गिरी मशीन टूट गई, हवा चली मशीन इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई, नेटवर्क चला गया, कोई भी ऐसा सिस्टम फेलियर जो होता है इसकी वजह से रन टाइम एरर आता है और उसको कभी रोका नहीं जा सकता। नेचुरल जो घटनाएं होती हैं उनको हम रोक नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल बस कर सकते हैं। तो ये रन टाइम एरर को रोका नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, उनको हैंडल करना होता है। क्लियर है? तीसरा होता है लॉजिकल एरर, और इसका ये सबसे प्रॉब्लमेटिक एरर होता है, और इसका
आने का मुख्य कारण होता है लॉजिक में गड़बड़ी, रॉन्ग लॉजिक, या फिर किसी भी प्रकार की छोटी सी लॉजिक में मिस्टेक या फॉर्मूला आपका फेल कर जाता है, या फिर उसमें गलती हो जाती है, या आपने जो भी प्रिडिक्शंस किए थे वो गलत हो जाते हैं, आपने जो भी फॉर्मूला लगाया था उसका एग्जैक्ट आउटपुट नहीं आ पाता, ऐसी जो एरर होते हैं उसको हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं क्योंकि इनसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। जितने छोटे एरर होते हैं उतने ही बड़ा नुकसान होता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा, जब साइंटिस्ट जो है वो रॉकेट लॉन्च करते हैं, उन्होंने फॉर्मूला फिट किया होता है रॉकेट में, सब कुछ कर रहे होते हैं, मशीन रॉकेट की जो मशीन है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लगे रहते हैं, कई जो है अपने साइंटिस्ट भी उसमें रहते हैं, उस समय जो एरर आता है लॉन्च होने के पहले, जो एरर आ रहा है रॉकेट लॉन्च होने के पहले जो भी एरर आता है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, क्योंकि उससे ना तो कोई नुकसान होता है ना ही किसी की जान जाती है, वो वहीं पे सॉल्व कर लिया जाता है। रॉकेट लॉन्च होने के बाद जो फॉर्मूला लगाया गया था कि इतने बज के इतने मिनट पर वो यहाँ पर लॉन्च करेगा या इस जगह पर पहुंचेगा, वो फॉर्मूला गलत हो जाता है किसी न किसी चीज के कारण। जैसे लॉन्च करते समय उस समय बारिश गिर गई, बिजली चमक गई, या कुछ और हुआ, हवा चल गई, उसका डायरेक्शन, रॉकेट का डायरेक्शन हल्का सा मिलीमीटर्स में चेंज हो गया, तो हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला फेल हो जाता है और रॉकेट सही से लॉन्च नहीं कर पाता और वहां पर जाकर के क्रैश हो जाता है, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है, कई लोगों की जान भी चले जाती है जो उसमें स्पेस शटल में बैठे होते हैं। तो लॉजिकल एरर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ये नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। लॉजिकल एरर आना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और उसको ट्रेस कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये किसी भी मशीन की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी मशीन हमारे पास है उसमें लॉजिकल एरर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि ये एरर स्टार्ट करते समय, प्रोग्राम को कंपाइल करते समय पता ही नहीं चलते, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने फिट कर दिया है, फॉर्मूला का सही आउटपुट वहाँ पर आने पहुँचने के बाद ही हमें पता चलेगा, रन करते समय भी पता नहीं चलते, सीधा फेलियर आता है तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ नुकसान हो गई है। तो ये एक प्रकार से हमको पता भी नहीं चलता कि कब लॉजिकल एरर आ गया है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जो हमारे रियल लाइफ का एग्जांपल है, उसके बाद हम इसको विजुअल बेसिक के एग्जांपल से भी समझेंगे। अभी हम विजुअल बेसिक को छोड़ देते हैं, हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में भी कंपाइल टाइम एरर्स आते हैं, हमारे लाइफ में भी रन टाइम एरर्स आते हैं, हमारे लाइफ में लॉजिकल एरर्स भी आते हैं, उन्हीं को कैटेगराइज किया गया है प्रोग्राम में भी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे अभी हमने इसका एग्जाम्पल देखा है स्पेस शटल का, तो हम एक एटीएम का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एटीएम मशीन सभी लोग यूज करते हैं, इसका एग्जांपल आपको जल्दी समझ में आएगा। पहला पॉइंट, अगर एटीएम में आप जाते हैं तो देखिए कैसे कंपाइल टाइम एरर्स आते हैं। मान लीजिए आपने एटीएम मशीन में गए और वहां पर एटीएम मशीन टोटल बंद है, क्योंकि वहां से जब जो प्रोडक्ट आना था एटीएम में वो प्रोडक्ट वहां पर नहीं आया, मशीन टोटल बंद है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का कंपाइल टाइम एरर है, मशीन वहां पर उपलब्ध ही नहीं है, अभी तक आ ही नहीं पाई है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ी सी समस्या बस होगी, सिर्फ ये होगा कि आपका पैसे का नुकसान नहीं होगा, आपका थोड़ा सा समय जो है वो वेस्ट हो जाएगा, आपने आपको लगेगा कि मैं बिना मतलब के इस मशीन पे आ गया, उसके बदले दूसरी मशीन पर मैं चला जाता, ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, ये थोड़ा सा समय बस आपका वेस्ट हुआ, आपका पैसा भी सिक्योर है और आप कि जो जो प्रोटोकॉल है वो भी पूरा तरीके से सही साथ चल रहा है। दूसरा जो कंडीशन है, मान लीजिए आप एटीएम मशीन पर जाते हैं, मशीन वहां पर है मतलब वहां पर कंपाइल टाइम एरर नहीं है, वहां पर मशीन उपलब्ध है और मशीन रन भी कर रही है, यानी मशीन चालू है। अब आपने क्या किया, देखिए आपने जब वहां पर एटीएम का पिन मांगा गया तो आपने वहां पर रॉन्ग पिन दे दिया, या अमाउंट आपने गलत दे दिया, जैसे आपके अकाउंट में 2,000 रुपए हैं आपने 20,000 रुपए लिख दिया। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या होगा, आपका एरर आएगा और आपका कैश बाहर नहीं आएगा, या फिर कभी कभी कैश कट जाएगा और आपका कैश जो है बाहर नहीं आएगा। तो या फिर आपने सही 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 ये वाली कंडीशन देखते हैं, या फिर आपने एटीएम में कार्ड दिया, करेक्ट कार्ड था, पिन भी करेक्ट डाला, आपने अमाउंट भी करेक्ट लिखा 10,000 और आपने
उस पर ओके कर दिया, उसके बाद मशीन ने आपके अकाउंट से पैसा काटा, आपके पास मैसेज आ गया, मशीन काउंट करना चालू कर दी, थोड़ी देर तक वो करीब 30 सेकंड तक कैश को काउंट करती है, उसी समय लाइट गोल हो गई, आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है, क्योंकि काउंट करने के पहले अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है, उसके बाद काउंट करके कैश बाहर निकाला जाता है, तो आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है और मशीन कैश बाहर निकालने ही वाली है, अचानक से बिजली चमकी और लाइट गोल हो गई, तो सिस्टम वहां पर रुक जाएगा और आपका अकाउंट से चूंकि पैसा कट चुका है और कैश बाहर नहीं आया, तो सिस्टम जो है फेल हो गया किसी कारण की वजह से। तो ये जो है एरर आया, इसको हम रोक भी नहीं सकते थे, और ये रन करते समय बीच में एरर आ गया जिसकी वजह से आपके नुकसान हो गया, क्योंकि कैश बाहर नहीं आया और आपके अकाउंट से कट चुका है। तो आप इस समय चुप नहीं रहेंगे, आप बैंक में जाके उनसे अपना रिटर्न मांगेंगे या उनको आप बोलेंगे। इस कंडीशन में आप कुछ नहीं बोलेंगे, बैंक कभी नहीं जाएंगे कि आपका ATM क्यों नहीं है वहां पर, लेकिन इस कंडीशन में आप जरूर जाएंगे क्योंकि आपके पैसे का नुकसान हो रहा है। तो रन टाइम एरर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है और इसको रोका नहीं जा सकता। अब ऐसा अगर हो जाए और आपका पैसा वापस ना आए, तो अगली बार से आप ATM जाना ही बंद कर देंगे, ATM को यूज नहीं करेंगे, क्या पता लाइट गोल हो जाए, मेरा पैसा फिर अटक जाए। तो बैंक वालों ने अपनी जो रिलायबिलिटी है वो बनाने के लिए सिस्टम फेलियर यानी रन टाइम एरर्स, जितने भी प्रकार के रन टाइम एरर्स आते हैं, उन रन टाइम एरर्स को हैंडल करते हैं बैंक वाले। उनमें सिस्टम फेलियर के लिए, जैसे लाइट गोल ना हो इसलिए बैकअप में बैटरी लगी रहती है, लाइट गोल होता है तुरंत बैटरी चालू हो जाती है। मान लीजिए आपने बीच में ATM में करेक्ट पिन डाला, सब कुछ डाला, आपके अकाउंट से कट गया और अचानक से नेटवर्क फेलियर हो गया, या फिर कैश बाहर नहीं आया, मशीन का ट्रे खराब हो गया, कुछ भी हो गया जो कैश को बाहर आपको दे नहीं पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सिस्टम खुद ब खुद उसको डिटेक्ट करता है और आपके अकाउंट में पैसे रिटर्न कर देता है। तो आप ये जो कंडीशन आपने देखी होगी कि अकाउंट से पैसा कट जाना और थोड़े और हमारे हम जो ट्रे जो है वो बाहर नहीं आता है किसी कारण की वजह से, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसे जो है वो रिटर्न आ जाते हैं तुरंत, 5-10 सेकंड के अंदर रिटर्न आ जाते हैं। तो आप ऐसे सिस्टम पे भरोसा करेंगे, कहीं भी ATM में जाकर के आप पैसे निकालेंगे, आपको पता है कि अगर मशीन खराब हुई तो मेरा पैसा तो कहीं नहीं जाएगा, वो रिटर्न हो ही जाएगा। इतना भरोसा आपको इसलिए हुआ क्योंकि ATM का जो कोड किया गया है उसमें रन टाइम एरर्स को हैंडल किया गया है। कोई भी मशीन ATM ऐसी नहीं है जिसमें एरर कभी नहीं आएगा, एरर आएगा जरूर, लाइट भी गोल होगी, उसमें गलत इनपुट भी दिया जाएगा, उसकी मशीन का ट्रे भी खराब हो सकता है, उसका काउंटर भी खराब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका नुकसान नहीं होगा, उसके लिए कोड किया जाता है कि ट्रे खराब हो जाएगा तो आपके कोड अकाउंट में वापस पैसे आ जाएंगे। तो ये रन टाइम एरर्स है, अगर आप हैंडल नहीं करते हैं इनको तो आपकी मशीन पे कोई भरोसा नहीं करेगा और कोई यूज नहीं करेगा। तो लोगों को भरोसा जीतने के लिए आपको इसको हैंडल करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तीसरी सिचुएशन देखते हैं लॉजिकल एरर की, जो सबसे खतरनाक सिचुएशन है और ये तो 0.1% भी नहीं होनी चाहिए आपके सिस्टम में, लगभग जीरो ही होना चाहिए, लॉजिकल एरर्स जो है जीरो होने चाहिए, अदरवाइज आपके सिस्टम का जो आउटपुट है वो बिल्कुल गलत आएगा और इससे बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप ATM मशीन पे जाते हैं, ATM मशीन वहां पर है, मतलब कंपाइल टाइम एरर वहां पर नहीं है, मशीन रन भी कर रही है, मतलब रन टाइम एरर आने आ सकता है, फिर आपने क्या किया, उसमें ATM कार्ड डाला, आपने लाइट गोल नहीं हुई है, आपने ATM कार्ड डाला, करेक्ट पिन भी डाल दिया, आपने अमाउंट 10,000 डाल दिया करेक्ट अमाउंट, मशीन ने काउंट किया, आपके अकाउंट से पैसे कट गए और 10,000 रुपए बाहर भी आ गए और आपके हाथ में अभी 10,000 रुपए आ चुके हैं, यानी कि रन टाइम एरर भी नहीं है। अब एरर कैसे आएगा, देखिए आपने ATM में 10,000 रुपए लिखा और 10,000 रुपए बाहर आ गए, आप कैश लिए घर चले गए, लेकिन 15 दिन के बाद जब आप वहां पर बैंक में पासबुक में एंट्री करने जाते हैं तो वहां पर लिखा पासबुक में एंट्री हो रही है कि आपने 50,000 रुपए विड्रॉल किए, जबकि आपने लिखे क्या थे 10,000 रुपए। तो 15 दिन के बाद ये ट्रेस कर पाना कि आपके ATM से 50,000 ही लिखा था, 50,000 बाहर आया कि नहीं आया, गलती किससे हो रही है, आपने 50,000 निकाला है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, 50,000 निकाला है और 10,000 बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ये सारी प्रॉब्लम, यानी आउटपुट आपका गलत आया,
सब कुछ सही चल रहा है, मशीन भी सही चल रही है, रन भी सही हो रहा है, आउटपुट भी आ रहा है, लेकिन आउटपुट गलत आ रहा है। आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो करेक्ट फिट नहीं हुआ। आपको जहाँ पर जाना था, रॉकेट को जहाँ पर जिस समय पर पहुँचना था उस समय पर नहीं पहुँचा। पहुँचा जरूर, लेकिन या तो लेट पहुँचा या फिर पोजीशन अलग थी, इसलिए वो क्रैश हो गया। और उसकी वजह से बहुत आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उसको ट्रेस भी करना दिक्कत हो जाएगा। उसको ट्रेस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और लोगों का पूरा भरोसा पूरी तरीके से उठ जाएगा आपके सिस्टम पर। तो लॉजिकल एरर जो है वो आपके सिस्टम पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि लॉजिकल एरर को हम पहचानेंगे कैसे कैसे। तो विजुअल बेसिक में हमारे पास रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर को हैंडल करने के लिए एरर ट्रैपिंग और डिबगिंग के टूल्स उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम अपने कोड को पहचान सकते हैं कि कहाँ पर एरर आ सकता है और किस टाइप का एरर है। तो ये हमने एटीएम की बात करी, स्पेस शटल की बात करी, जिसमें हमने एरर्स को देखा। अब विजुअल बेसिक में हम देखते हैं कि कैसे कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं विजुअल बेसिक में, ये देखिए आपका विजुअल बेसिक का एडिटर ओपन है, और मैं यहाँ पर अभी आपको कंपाइल टाइम एरर या रन टाइम एरर लाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोड कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर सिंटेक्स गलत लिख देता हूँ, ए ग्रेटर देन बी। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, देखिए यहाँ पर मुझे देन लिखना था, यहाँ पर मुझे देन लिखना था। तो ये कोड करते समय ही एरर को जांच लिया गया, और कंप्यूटर मुझे बता दे रहा है कि यहाँ पर कंपाइल एरर है। देखिए कंपाइल टाइम एरर है, और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और यहाँ पर ये बता भी रहा है कि आपने क्या गलत किया है। यहाँ पर देन या गो टू आपने छोड़ दिया है, या तो देन लिखिए या गो टू लिखिए, और किस लाइन पर एरर है वो भी बता रहा है, रेड कर दिया है इसको। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा देन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये कंपाइल टाइम एरर आपने देखा। अब रन टाइम एरर देखते हैं हम लोग। रन टाइम एरर बहुत ही, जो दो तीन कारण मैंने बताया था उस कारण को हम देख लेंगे, तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगी कि रन टाइम एरर्स कैसे आते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैं डिवाइड करने का प्रोग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर मैं तीन टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, डिवाइड करने का हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि रन टाइम एरर्स कैसे आते हैं, और उनको एक्सेप्शनल केस क्यों बोला जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन या एक्सेप्शनल केस बोला जाता है कि 10 बार रन करने पर वो 9 बार तो रन होते हैं, एक बार एक ऐसा केस होता है जब वो रन नहीं होते। उस समय लाइट गोल हो गई रहती है, या ट्रे खराब हो जाता है, थोड़ा देर पहले किसी ने एटीएम से पैसा निकाला, निकल गया, लेकिन हम जाते हैं तो उस समय ट्रे तुरंत खराब हो जाता है, उसी समय लाइट गोल हो जाती है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करने का प्रोग्राम बना देते हैं फटफट। डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर, डिम सी एज इंटीजर। तो आपको पता है ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट 1 से आएगी। बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट 2 से आएगी। और सी की वैल्यू क्या होगी, ए डिवाइड बाई बी, और टेक्स्ट 3 में चला जाएगा ये। तो ये हमारा डिवाइड करने का प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आपने पहले भी कर रखा है इसको। ठीक है, ये देखिए क्लियर है। तो अब हम इसको रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे रन टाइम एरर कैसे आता है। मैंने ए में वैल्यू दिया 9 और इसमें वैल्यू दिया 3, तो मेरा आउटपुट क्या होगा, 3। मैंने यहाँ पे दिया 10, यहाँ पे दिया 2, तो यहाँ पर क्या होगा, 5। तो बहुत अच्छे से डिवाइड कर रहा है ये प्रोग्राम, बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर दिया 10 और यहाँ पर दे दिया 0, मैंने गलत इनपुट दे दिया। 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, और इनफाइनाइट नाम की कोई चीज नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में रन टाइम एरर जनरेट होगा। देखिए मैं जैसे क्लिक करूंगा तो एक रन टाइम एरर जनरेट हुआ, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रन टाइम एरर। तो यहाँ पर कुछ चीजें अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब भी सिस्टम में या विजुअल बेसिक में रन टाइम एरर आता है, तो उसके साथ एक नंबर जनरेट किया जाता है। उस नंबर से ही पता चलता है कि एरर क्यों आया है, साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी जनरेट किया जाता है। तो रन टाइम एरर 11 का मतलब है कि आपने डिवाइड बाई 0 किया है, और वो डिविजन करने के लिए कंप्यूटर जो है एबल नहीं है। अब आपके पास डिबग का ऑप्शन होता है। डिबग मतलब होता है, बग मतलब होता है एरर, डिबग मतलब होता है एरर को दूर करना, और डिबगिंग मतलब वो प्रोसेस जिसका यूज करके आप एरर को ढूंढते हैं और दूर करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिबग पे जाऊंगा। डिबग एक टूल है विजुअल बेसिक में, जो आपको एरर को ढूंढ के बताएगा
किस लाइन पर एरर है। यहाँ पर आपको बता दिया गया इस लाइन पर रन टाइम एरर 11 आ रहा है, यानी कि डिवाइड बाय 0 आ रहा है। यहाँ बी की वैल्यू आप देखेंगे तो 0 है, क्लियर है। तो ये एक्सेप्शनल केस हुआ, आपने यहाँ पर एक्सेप्शन की मीनिंग समझी कि अभी तक आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे 10 डिवाइड बाय 2 तो हो रहा था, 10 डिवाइड बाय 3 हो रहा था, 10 डिवाइड बाय 4 हो रहा था, सब हो रहा था। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, 10 डिवाइड बाय 0 कर दोगे तो डिवाइड नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसको एक्सेप्शन भी बोला जाता है, क्लियर है। एक और रन टाइम एरर का एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एरे बनाता हूँ, एरे की साइज में लिया यहाँ पर 3। आपको पता है कि मैंने एक एरे बनाया है और एरे की साइज मैंने ली है 3। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए 0 इक्वल टू 10, ए 1 इक्वल टू 20, ए 2 इक्वल टू 30, ए 4 इक्वल विजुअल बेसिक में एक एरे का जो एक इंडेक्स है ना वो एक्स्ट्रा देता है। देखिए चार वैल्यूज मैंने इंस्टॉल कर दिए, स्टोर कर दिए 0 से 3। कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। अब मैं यहाँ पर देखिए प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, प्रिंट ए 9। अब देखिए क्योंकि ए 9 तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी ए 9 आपका यहाँ पर है ही नहीं, अब इसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रन टाइम एरर 9 आया, यानी कि एक सिचुएशन थी जिसमें आपने ऐसे इंडेक्स को हैंडल करने की कोशिश की है प्रिंट कराने की जो है ही नहीं, तो सबस्क्रिप्ट जो है वो आपका आउट ऑफ रेंज है, इसका एरर नंबर जो है वो 9 है। अब एक लॉजिकल एरर का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फटाफट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोशिश करूँ ए इक्वल टू मैं लेता हूँ 5, बी इक्वल टू लेता हूँ मैं 2, और एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग सी इज इक्वल टू 5 और 2 लिया मैंने तो आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 2 इंटू 2 4 होगा और प्लस 5 ऐड होगा, यानी कि 9 आएगा। आउटपुट क्या आएगा हमारा 9, आउटपुट हमारा आना था 9 और देखिए क्या आउटपुट आता है हमारा 9 आया। लेकिन एक्चुअली मुझे करना ये था कि 5 प्लस 2 7 और इंटू 2 करना था, मुझे 14 आउटपुट चाहिए था। क्या आउटपुट चाहिए था? 14। लेकिन मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया है, मैंने किसी कारणवश ब्रैकेट नहीं लगाया, या फॉर्मूले में मैंने समझा कि वो वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, आउटपुट आना चाहिए था 9 और सॉरी 14, आउटपुट क्या आ रहा है 9, तो ये आउटपुट गलत आ रहा है। आप यहाँ पर 14,000 कैश निकालेंगे बैंक से और आउटपुट में या पासबुक में 9,000 प्रिंट हो जाएगा तो बैंक को नुकसान होगा, और उल्टा होता है तो आपको नुकसान होगा, क्लियर है। ये लॉजिकल एरर है और इसको ट्रेस भी नहीं कर पाते हैं, कंप्यूटर भी नहीं पकड़ पाता, हम भी नहीं पकड़ पाते, जब एरर आता है उसके बाद ही पता चलता है ये, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने तीनों प्रकार के एरर्स को देखा अभी, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, और इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हैंडलिंग के मैकेनिज्म देखेंगे।